अब भाई वैसे तो मैं काफी सारे सीजन से कॉन्करर नहीं गया हूँ, लेकिन ये वाला मैच इस कदर मतलब खतरनाक हो जाता है कि एंड का जोन जब तुम देखोगे ना तो बाकी फाइट कुछ ज्यादा ही डेंजरस होने वाली है। और मतलब बिल्कुल तुम्हें फील आई कि ये कॉन्करर लॉबी ही है। फिलहाल तुम इससे पहले यहाँ देखो भैया, हम कुछ चुके हैं इवेंट पे एंड। भाई एक बंदा तरती ना, भाई साहब पता नहीं मैंने बीच में कौन से रिफ्लेक्स दिखाए, मेरे हाथ में M4 थी और अनरिलोडेड उजी आ गई, कसम से यार क्या ही बोलू। लेकिन जो भी गाइस अभी उंगलियां इतनी अकड़ गई हैं, ठंड चालू हो चुकी है तो भैया बहुत कुछ होने वाला है, मतलब स्प्रे में भी बड़ी दिक्कत आने वाली है। लेकिन उससे पहले भाई साहब ये देखो भैया सामने था एक बंदा, तो मैंने फटाक से मॉली फेंकी। भाई कसम से यार कितना टैप करना पड़ रहा है, मतलब एक बार में तो क्लिक होता ही नहीं है। यार ये भाई साहब तो नॉक, लेकिन मुझे लगा शायद से कि भैया मुझे लेफ्ट साइड सीने मारा, लेकिन जुपिटर गाइस फिलहाल वो मेरी मॉली थी। अब जो भी गाइस वहां पे तो भैया निपटा दिया, लेकिन भैया तुम यहां देखो जैसे ही आता हूं मैं इस तरफ, ये आ गई पूरी स्क्वाड। अब यार एक बंदा तो नॉक, अब तुम इसका नाम पढ़ लो, मतलब एनिग्मा याद रख लो बस, और कुछ याद मत रखो। क्योंकि ये हो गई मेरी सुताई। अब इन बंदों से हम टेंशन मत लो, मतलब अभी के लिए जंग हार जाएंगे, लेकिन ये जंग जारी रहेगी और हम इस पूरी स्क्वाड से बदला लेंगे एंड जोन में। लेकिन उससे पहले भाई साहब यहां देखो, अब भी मत्ता भिनका पड़ा था बिकॉज हम पागलों की तरह मर गए, मतलब मेरे को इतनी ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिल पाई, मैं नहीं मार पाया, तो मैं चलाया सीधे सीधे अभी रिवेंज लेने के लिए। वो बात अलग है कि अभी हम जैसे यहाँ पे आएंगे बंदे ये वाले हमें यहाँ नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी था जैसे आए यहाँ देखो प्लेनेट एरिया 3 दिखा रहा है तो एक बंदा तो है। और जो कि मैंने इजी पीजी निपटा दिया, लेकिन भाई साहब एक फर्स्ट टाइम मेरे को और आया। अब यार ये बंदे को जो मारा है ना भाई साहब, नाम तुम इसका भी याद रख लो, बिकॉज ये हमें आगे जाके एक जगह पे इतना गंदा सरप्राइज देने वाला है ना, मतलब सेम उस टाइम पे लगा ऐसा कि भैया गए काम से। लेकिन उससे पहले ये देखो, ये वाले कंपाउंड से आया कुछ फायरिंग साउंड, तो हम चले आए यहीं की तरफ। और लो भाई साहब ये बंदा तो इजी पीजी नॉक। और फिलहाल इसका किल तो भाई साहब मेरे हिस्से में नहीं आया, टच ने भी चुराया भाई साहब, हाउ उसकी खैर नहीं। अब लास्ट मोमेंट में ये बंदा आता है, मतलब आधा सेकंड और रुकता तो कसम से बूम बम हो जाता इसका। लेकिन चुपचाप फिलहाल के लिए यहाँ पे देखो भाई साहब, एक ग्रेनेड मैंने और को करा, लेकिन भाई साहब वो भी वेस्ट। अब ग्रेनेड तो नहीं है, लेकिन थी मेरे पास 3 मॉली। और पता नहीं भाई साहब यहाँ पे पिंग तो सही दिखा रहा, लेकिन कैसा ग्लिच है मेरे को समझ में आ ही रहा है, बिकॉज थ्रो ही नहीं है मॉली यार सही में। बट चुपचाप गाइस यहाँ पे देखो मॉली मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 2 ही बची है, अब वो भी मैंने थ्रो कर दी। और भाई ये देखो वापस से ये मैंने प्रेस किया और मतलब हल्का सा ही हवा में गया यार, पता नहीं क्या ग्लिच है। खैर जो भी ये समझ होता है कि नहीं तो जरूर बताना कमेंट करके। लेकिन उससे पहले ये देखो भाई साहब ऊपर, भाई साहब एक बंदा नॉक है। लो भाई साहब इनका भी सिस्टम सेट कर दिया है गाइस, यहाँ पे ये वाले बंदे तो खत्म। लेकिन भाई तुम यहाँ अब देखो भाई साहब, जो बंदा मैंने तुम्हें बताया था ना अभी सॉरी डार्लिंग करके, भाई साहब वो बंदे से वाली फाइट होगी और तुम देखना भैया क्या धप्पा करेगा वो। लेकिन उससे पहले भाई ये DBS वाले मतलब इतनी दूर से कितना डैमेज देते हैं सच्ची में यार, बट जो भी है अभी के लिए तो यहाँ पे इस बंदे को पूरा भर दिया है। बारी यहाँ से निकलने की तो हम चल पड़े, और जैसे ही निकले भैया सामने दिख गई एक बगी। अब शायद इस बंदे का भी पिंग हाई था, लेकिन जो भी था भाई साहब इस बंदे से हम लेने वाले बहुत ज्यादा मजे, और ये मजे हमें कितने भारी पड़ेंगे तुम बस देखते जाओ।
उतरेगा तो उतरेगा साला। भाई तुम देख रहे हो, मतलब ये बंदा कैसे कैंप करके आया था, मतलब रिवेंज की भावना से तो ये भी आया था। खैर जो भी कैसे, यहाँ पे देखो मेरा टीममेट मुझे बचा लेगा और भैया जैसी मैं बचाना भाई साहब। अब तुम देखो इसे उड़ा दूंगा मैं, एक मिनट। भाई साहब रिवेंज भाई का कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन जो गाइस फिलहाल हमने से भर दिया है और बारी है फिर से ऐसे निकलने की। और गाइस अब तुम देखते जाओ, मतलब लास्ट जोन की ऑलमोस्ट फाइट स्टार्ट होने वाली है और अब हर जगह बंदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने इन बंदों को फायर किया, भाई साहब ये बंदे रुक गए एकदम से। अब भाई मुझे यहाँ पे ओपन में नहीं पिटना था तो मैं तो निकल लिया तुरंत ही। और तुम ये देखो भाई साहब कहाँ कहाँ से फायरिंग साउंड आने वाले हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह से। यहाँ पे बंदे आ गए हैं, यहाँ पे बंदे निकल गए। भाई पता नहीं यहाँ पे एकदम से बंदे ये कहाँ से आ गए, लेकिन जो भी था फिलहाल के लिए यहाँ देखो भाई साहब एक स्क्वाड बिल्कुल हमारे हाथ धो के पीछे पड़ने वाली है। मतलब ये देखो ये जो गाड़ी है ना राइट साइड में आई है, ये और इसके बंदे भाई साहब बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे और तुम्हें पता है ये कौन से बंदे है। खैर वो भी तुम खुद देखो, लेकिन उससे पहले तुम ये देखो मेरा टीममेट बोलता है कि उसके पीछे आ रही है बाइक। तो मैंने कहा भैया इसे तो भरना पड़ेगा, मतलब इसकी दादागिरी तो उतारनी पड़ेगी। और लो भाई साहब ये एनिग्मा करके आई थिंक वही बंदा है जिसने कि हमें स्टार्टिंग में भरा था। फिलहाल जब कैसे यहाँ पे इसके बचे कुछ बंदे भी आ रहे होते पीछे ही। तो भाई मैं तो वहां पे नहीं रुकता हूँ, चला आता हूँ यहाँ स्क्वाडोस की तरफ। लेकिन भाई साहब मुझे लगा ये बंदे हमारा पीछा करेंगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बंदे थे नेक्स्ट लेवल समझदार। फिलहाल उनने तो हमारा पीछा नहीं करा, लेकिन उनका पीछा करने वापस से हम चले आए फिर से यही की तरफ। और भाई साहब अब तुम ये नजारा देखो, बस यहीं पे गाड़ी लगी है, तू बंदे भी है। भाई क्या ही पेला है। और एनिग्मा आई थिंक ये भी उसी स्क्वाड के बंदे हैं। बट जो भी था गाइस यहाँ पे अपना रिवेंज फाइनली कंप्लीट हो चुका है फुलफिल तरीके से। बट जो भी था गाइस अब देखो जोन में ज्यादा बंदे बचे नहीं है। और भाई साहब जैसे ही मैं हल्का सा इस तरफ आता हूँ, ये देखो स्टार में देखा मेरे को स्मोक। और खत्म भाई साहब ये वाली स्क्वाड भी खत्म। लेकिन जो भी था गाइस अभी के लिए तुम ये देखो भाई साहब हम जोन के अंदर ही हैं, तो मैं ज्यादा मूवमेंट लेता नहीं हूँ, मैं बस हल्का सा आगे वाले शेल्टर पर चला जाता हूँ। और जैसे आता हूँ ना भाई, भाई सही में उंगलियां बिल्कुल हिलने का नाम ले नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मैंने ये वाली स्क्वाड को बहुत गंदा डैमेज दिया और मेरे पे रहा ही नहीं गया। मतलब इतना गुस्सा आया भाई साहब कि बंदा गिरा कैसे नहीं। इस चक्कर में देखो मैं जा रहा हूँ उन्हें जोन के बाहर मारने के लिए सच्ची है। मतलब तुम ये देखो भैया जोन आने से 27 सेकंड बाकी है और ये वाली जोन कितनी डेडली है तुम भी जानते ही हो। लेकिन उसके बावजूद हम आए इन बंदों को मारने के लिए जोन के बाहर। एक इसके पीछे, घर के पीछे। भाई साहब एक ही स्प्रे में दोनों बंदे आ गए और भाई साहब यहाँ पे मैंने भर दिया। अब जोन में बचा तो मात्र एक बंदा है, लेकिन हम हैं जोन के बाहर और मुझे लगा साइज से मैं गया काम से, बिकॉज ये जोन बहुत गंदा काटेगी। लेकिन जैसे जैसे भाई साहब जोन में तो हम पहुंच जाएंगे, बट भाई
ये मेरा टीममेट बोलता है कि राइट से वो बंदा भी जोन में गया है, तो यहाँ पे मुझे हील का टाइम मिल गया और जैसे मैंने हील करी भाई साहब, अब बारी है लास्ट बंदे की। इसे उछाल दो मेरे को, फिर मार देना। एंड बूम गाइस, पहले हो चुका है प्यार सा पिनर पिनर चिकन डिनर। अब इस बच्चे गेम प्ले कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, कमेंट करके अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है, बाकी मैं चलता हूं मिलो कल, फिर से लव यू, स्टे सेफ गाइस एंड कीप सपोर्ट।